जय हिंद। वेलकम गाइस, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, एंड टुडे वील लर्न अबाउट रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसके मेन जो है क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज है इससे, और किस तरह से ये बना होता है, वो हम ये सारी चीजें जानेंगे अपने इस वीडियो में। और इसके लिए आप जो है अंत तक हमारे वीडियो को बने रहिए, और मैं श्योर करता हूं कि आपको किसी तरह का भी जो है रिपल्शन मोटर के बारे में डाउट नहीं होगा। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं रिपल्शन मोटर। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिपल्शन मोटर में एक जो है स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। यह जो है सिंगल फेज एसी सप्लाई पे चलती है, और इसको भी रोटर को कोई एडिशनल सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती है, राइट। और रिपल्शन सिस्टम यानी प्रतिकर्षण के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसकी बनावट के लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो है जैसे डीसी मोटर होता है, उसके आर्मेचर में आपने देखा होगा कि कम्यूटेटर होता है, ब्रशेज होते हैं, और उसी तरह से यहां पर भी उसका जो है डिजाइन कुछ इसी तरह से है। और जो ये आप देख रहे हैं जो रोटेटिंग पार्ट है, यानी ये इसका आर्मेचर है, और यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के ऊपर आप देख रहे हैं ये ब्रशेज है, दो ब्रशेज है, राइट। और ये दोनों ब्रश जो है आपस में शॉर्टेड है, राइट। और इसको कोई एडिशनल सप्लाई डीसी मोटर की तरह या किसी और मोटर की तरह नहीं दी जाती है, यानी कि आपका जो आर्मेचर है इसको किसी तरह की एडिशनल सप्लाई नहीं दी जाती है। इसके अंदर जैसा हम जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को यानी कट करता है, तो उसके ऊपर एक अपना फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी ईएमएफ जनरेट होता है। और यदि उसको हम शॉर्ट कर दें, यानी कि उसका पाथ जो है क्लोज कर दें, तो उसमें से करंट फ्लो करेगा जिसका अपना डायरेक्शन होगा, और उस पर भी नॉर्थ और साउथ पोल फॉर्म होंगे, राइट। ठीक उसी तरह से यहां पर भी जो कंडक्टर है जो इसको कट करेंगे, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आप देख सकते हैं कि जैसे हम सप्लाई देंगे पॉजिटिव साइकिल में, तो ए एन पोल हो जाएगा और एस पोल, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई यानी ए पोर्शन जो हमारा आएगा दिस पोर्शन, तो हमारी सप्लाई यहां से मूव करेगी, और ए वाला जो पोल है यानी स्टेटर में नॉर्थ पोल फॉर्म करेगा, और दूसरा वाला जो है साउथ पोल फॉर्म करेगा। आप देखेंगे कि यहां पर जो है इस पोल से होते हुए इस सीरीज में जो है दूसरे पोल से होते हुए सप्लाई बाहर जा रही है, राइट। और अगर हम कंपेयर करें, जैसे हम यूनिवर्सल मोटर जो मैं पहले इसका वीडियो बना चुका हूं, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है यूनिवर्सल मोटर की तरह। लेकिन अंतर क्या है कि यूनिवर्सल मोटर में जो आपका आर्मेचर था, यानी कि स्टेटर से होते हुए आर्मेचर को सीरीज में होते हुए फिर स्टेटर से सप्लाई वापस जाती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आर्मेचर आपका टोटली जो है सेपरेट है, और इसके ब्रशेज जो है दोनों आपस में शॉर्ट किए गए हैं, राइट। और जो स्टेटर है वो स्टेटर की सप्लाई जो है दोनों को सीरीज में रखे दी गई है। सिंगल फेज का एसी मोटर का यह स्टेटर। तो अब आगे हम देखते हैं, जैसे हमारा हाफ पॉजिटिव साइकिल यहां से जाता है, तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। लेकिन क्योंकि हमारा एसी है यानी अल्टरनेटिंग है फेज इसका, वापस ये नेगेटिव फेज में जब जाएगा तो आप देखेंगे जो नॉर्थ बना हुआ था पोल, वो इट विल चेंज टू साउथ एंड साउथ विल बिकम नॉर्थ, यानी कि जो नॉर्थ पोल था साउथ बन जाएगा और साउथ की जगह नॉर्थ बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये नॉर्थ साउथ जो है चेंज होता रहेगा एवरी साइकिल, यानी कि 50 साइकिल यानी इन 1 सेकंड 50 टाइम्स इट विल चेंज। हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स, 50। तो इतना फास्ट जो चेंजिंग है इसकी, उसी हिसाब से जो यहां से कट होंगे, क्योंकि यहां पर इस तरह से डिजाइन है, यहां भी नॉर्थ पोल फॉर्म होगा, नॉर्थ पोल यहां भी फॉर्म होगा, तो क्या होगा, ये दोनों को यहां पर अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल करेगा, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ करेगा, लेकिन ये 0 डिग्री इसमें डिफरेंस है, तो ये क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मूव नहीं होगा, राइट। इस कंडीशन में हमारा रोटर रोटेट नहीं होगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक तो एक कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में अगर हम इसको एज्यूम करें
कि हमारा ये जो पोल है, ये जो ब्रशेस हमने यहाँ पर बनाया हुआ था बिल्कुल 0 डिग्री डिफरेंस पे, अगर हम इसको चेंज करके और हम यहाँ पर ब्रशेस लगा दें इस पोजीशन पे, यानी 180 डिग्री यहाँ पर अगर हम ब्रशेस लगाते हैं और सप्लाई देते हैं, तो क्या होगा? उस कंडीशन में भी हमारा ये फ्लक्स जो है यहाँ पर, यानी कि कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा और ये जो है स्टेशनरी होगा, राइट? तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब 0 डिग्री डिफरेंस होगा तो भी नहीं होगा, 90 डिग्री डिफरेंस पे भी कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, राइट? तो हम किस कंडीशन में इसको चार्ज जनरेट कर पाएंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमें करना क्या होगा, ये जो एक्सिस है 90 डिग्री की है, ये 0 डिग्री था तो इस पे हमारा टॉर्क जनरेट नहीं हुआ, यानी कि रोटर हमारा रोटेट नहीं करेगा। तो रोटर रोटेट करने के लिए हमको करना क्या होगा, ये 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में हमें इसको रखना पड़ेगा। किसको? ये जो शॉर्टिंग है, ब्रशेस की जो पोजीशन शॉर्ट हो रही है, इसको समय बीच में रखना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको इस पोजीशन पे रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा आपका कम्यूटेटर है और हमने ये ब्रशेस को यहाँ प्लेस कर दिया, राइट? अब हमने यहाँ ब्रशेस को प्लेस कर दिया और ये हमारा शॉर्टिंग है। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो है यहाँ भी नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ और नॉर्थ ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और ये साउथ साउथ रिपेल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, राइट? तो हमारा जो है रोटर इस तरह रोटेट करने लगा, ठीक है? और इस तरह से जब हम इसको डायरेक्शन अगर उल्टा करना है, हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को जो हमने यहां पर प्रोसेस किया था और अभी क्लॉकवाइज में हमने सपोज 45 डिग्री पे कर दिया था, तो हमारा इस तरह डायरेक्शन था। देखो हम क्या, अभी क्या होता है, जब हम इसको 45 डिग्री यहां पर करते हैं, यानी प्रोसेस हम यहां प्लेस कर देते हैं, राइट? तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए जो हमारा नॉर्थ पोल था, अब नॉर्थ हमारा यहां बनेगा और साउथ यहां बनेगा, तो क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, तो अब ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, यानी इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट? तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो गया, यानी बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस ब्रशेस, यानी शॉर्टिंग पोजीशन है जो आर्मेचर का, उसका हम अगर पोजीशन को चेंज करते हैं तो हम रोटेशन को चेंज कर लेते हैं। यानी जब भी हमें रोटेशन चेंज करना होगा रिपल्शन मोटर में, तो वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस ब्रशेस, यानी थ्रू रोकाराम हमको क्या है, इसका जो ब्रशेस है शॉर्टिंग पोजीशन, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने दूसरे डायरेक्शन में कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसको हमने जो है अदर अवे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इसका रोटेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये है इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। और जब ये बिल्कुल पैरेलल होगा, यानी इसके, तो इसको कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, राइट? यहां पर लिंक तो होगा, यानी कि हमारा जो फ्लक्स इससे लिंक होगा, लेकिन इस पे कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब भी हम सिंगल फेज सप्लाई स्टेटर को देते हैं तो स्टेटर में चेंजिंग फ्लक्स जनरेट होता है, यानी नॉर्थ साउथ बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। क्या होता है, जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा तो ये वाला जो है नॉर्थ पोल यहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ पर जो है साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, नॉर्थ विल बिकम साउथ एंड साउथ बिकम नॉर्थ। अब जो है इसकी पोजीशन को हमने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया, जब 0 डिग्री यहाँ पर डिफरेंस होता है दोनों होते हैं नॉर्थ नॉर्थ होते हैं, क्योंकि बीच में जरा भी अंतर नहीं है किसी डिग्री का, इसलिए इसको टॉर्क नहीं मिल पाता है, और करंट तो जनरेट होता है बट टॉर्क नहीं मिल पाता है। उस केस में क्या होगा, हमको इसको शिफ्ट करना होता है, यहां से कुछ एंगल देना होता है, तब ये रोटेट करना शुरू करता है, राइट? यानी 0 to 90 degree इन बीच में आप अगर क्लॉकवाइज इसको कर रहे हैं तो आपको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला, एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप ले गए तो ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे हमारा रिपल्शन मोटर काम करता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका यूज आपने देखा होगा लिफ्ट वगैरह में या इस तरह के उसमें जो हम इसको यूज करते हैं इस मोटर को, और जनरली इसका काफी वाइड यूज है, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह के मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।